गांवों में प्लांटिंग के नाम पर खेतों पर कब्जा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। भूमाफिया बिना किसी अनुमति के धड़ल्ले से प्लांटिंग करके गांवों में पानी निकासी की नालियों को ब्लॉक कर दे रहे हैं, जिससे बारिश के मौसम में ग्रामीणों को जल जमाव की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उधम सिंह नगर के खटीमा क्षेत्र में भूमाफिया प्लांटिंग के नियमों को ताक पर रखते हुए खेतों पर बड़ी तादाद में कब्जा कर रहे हैं। ग्रामीणों ने मामले की शिकायत तहसीलदार से भी की है। ग्रामीणों का कहना है कि भूमाफिया बिना किसी अनुमति के प्लांटिंग करके कब्जा कर लेते हैं, जिससे गांव के लोगों को पानी की निकासी की समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। वहीं बरसात के वक्त जल जमाव की भी समस्या होने लगती है। तो क्या होता है, बात को जब ये घर बन जाएंगे, सारे लोग हमारे गांव के प्लाट खरीद रहे हैं और दो तीन प्लाट की यहाँ पे रजिस्ट्री भी हो गई है, वो कहते हैं नाली बना के दो, खंबे लगा के दो, फिर वहाँ पे इतनी जगह कम हो जाती है कि आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, निकलने की जगह नहीं रहती है, फिर हम लोगों को पंचायतें करानी पड़ती, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसलिए हमने ये आपत्ति लगाई है। चम्बोर में जो अवैध प्लॉटिंग की शिकायत है, उस पर मौके पर हमने जाकर निरीक्षण किया तो वहाँ पर प्लॉटिंग का बोर्ड लगा हुआ पाया है और रास्ता निर्माण की भी कुछ डिमार्केशन किए गए हैं। तो इस तरह की प्लॉटिंग जो है पूरी तरह से अवैध है, इसमें भी जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी और दोषियों को नुकसान किया जाएगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।